हेलो, वेलकम टू TTV HD चैनल में म्यूजिक थ्योरी का पार्ट टू वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हम कॉर्ड्स के बारे में। तो पिछले वीडियो में तो हम नोट्स के बारे में आपको बताए थे कि नोट्स क्या है। हम जब कोई की को दबाते हूँ इसको हम नोट कहते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे आखिर में कॉर्ड्स होते क्या है। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ये TTV HD चैनल को और दबा दीजिए उसके पास में जो घंटी है, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके पास फ्री में पहुंचा सके। सबसे पहले तो जब हम कोई नोट्स को एक बार से ज़्यादा प्ले करते हैं तब हम उसको कॉर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि हम ऐसे दबाते हूँ, प्ले करती हूँ एक से ज़्यादा की को एक साथ, तब जो साउंड होता है इसको हम कॉर्ड्स बोलते हैं। तो ये जो कॉर्ड्स है, ये कॉर्ड्स किस प्रकार होते हैं? मेनली हम कॉर्ड्स को दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, जैसे कि मेजर कॉर्ड और माइनर कॉर्ड। तो मेजर कॉर्ड क्या है और माइनर कॉर्ड क्या है? दोनों कॉर्ड में ही हमको तीन नोट्स को प्ले करना है एक साथ, तीन से ज़्यादा नोट्स। लेकिन हम ये जो बेसिक में तीन नोट्स को एक साथ प्ले करना होगा। तो आखिर ये तीनों नोट होते क्या क्या है? जैसे कि अगर हम, ये तो सी है, सी मेजर। तो हम मेजर के बारे में आपको बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहते हूँ कि मेजर ही हो या माइनर हो, आपको दो की सेमी सेम रहना होगा। जैसे कि इसका जो फॉर्मूला है ये है, जो की का हम नोट्स का हम कॉर्ड्स बनाना चाहती हूँ वो नोट पे आप पहले दबाइए, उसके बाद उससे सात नंबर का जो नोट है उसको दबाइए। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, जैसे कि ये जो सात नंबर की है और एक नंबर जो नोट का हम कॉर्ड्स बार करना चाहती हूँ उसको आप फिक्स रखिए, ठीक है। उसके बाद जो मेजर कॉर्ड में जो हमको करना होगा ये है, उसका जो फॉर्मूला है नेचुरली बेसिक में 1, 4, 7। तो 1 हम प्ले किया हूँ, 7 भी प्ले किया हूँ, हमको 4 प्ले करना होगा। जैसे कि इसके जो प्ले हो रहा है ये है मेजर पार्ट, ठीक है। और माइनर में भी आपको पहले वाला जो की है, जैसे कि ये सातवां की, और इसमें आप इस्तेमाल कीजिए 3 नंबर का जो की है। मेजर का जो फॉर्मूला है वो है 1, 4, 7 और माइनर का 1, 3 और 7। जैसे कि ये, ठीक है, ये मेजर ये माइनर, ठीक है। आपको दिखाना चाहती हूँ मेजर कॉर्ड आपका अगर निकालना चाहते हैं दूसरा कोई नोट्स का, जैसे कि जी मेजर, आपको क्या करना पड़ेगा? जो जी वाला जो नोट है, जैसे कि इसको मूव करती हूँ, ये जी वाला की है और देखिए इससे जो कॉर्ड्स प्ले हो रहा है ये है जी मेजर कॉर्ड। वैसे ही इसका ये का मेजर कॉर्ड, ठीक है। ये है बी का, यह है हमारा मेजर। और माइनर कॉर्ड अगर निकालना चाहती हूँ तो इसको जो कॉर्ड है इसमें नोट था इसको हम 3 नंबर में कर देती हूँ, उसके बाद हम प्ले करके दिखती हूँ जी एफ माइनर एफ है ये, इसका जो प्ले हो रहा है ये है ये माइनर। Thank you.
अगर हम एफ का निकालना चाहती हूँ तो ये मूव करती हूँ, उसका नेक्स्ट जो की है ये। ये हो गया है माइनर। तो मेजर क्या है, माइनर क्या है, मेजर कॉर्ड और माइनर कॉर्ड आपका तो क्लियर हो गया है, तो आपको लिख कर दिखाती हूँ। जब हम नेट में सर्च करते हैं जो इस गानों का कॉर्ड्स क्या है, तब आपको कैसे उधर देखना पड़ सकते हैं, आपको दिखाती हूँ। अगर आपको दिख जाता है कि आप देखिए कि लिखा है सी मेजर, सी मेजर हम नेचुरली कैसे लिखूंगा, सी मेजर, ठीक है, कैपिटल में हम लिखूंगी सी उसके बाद मेजर, लेकिन ऐसे लिखता है सी मेजर के ओनली कैपिटल में सी, ठीक है, ये हो गया सी मेजर। अगर आपको मेजर का मतलब ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, कैपिटल में ये हुआ तो ए मेजर, अगर बी हुआ कैपिटल में तो बी मेजर, अगर सी हुआ तो सी मेजर। उसके बाद आपको दिखाती हूँ सी माइनर आपको कैसे चुनेंगे, पहचानेंगे ये सी माइनर है। तो सी के बाद हम नेचुरली तो ऐसे लिखना होता है, लेकिन ऐसे आपको दिखने को नहीं मिलेगा, आपको सी के पास आप लिख दीजिए एस एम वन एम, उसका मतलब है सी माइनर। अगर डी माइनर आप कैसे लिखेंगे, डी के पास स्मॉल एम, मेजर में ओनली कैपिटल में लिखा लिखते हैं डी, मतलब डी मेजर, और अगर माइनर हुआ तो लिखेंगे स्मॉल एम, ठीक है। अगर आपको बोलूँ ए शार्प, ए शार्प मतलब आप कैसे लिखेंगे, तो ए शार्प के मतलब होते हैं ए शार्प मेजर, ठीक है, और ए शार्प मेजर मतलब आपको होगा बी कैपिटल में बी फ्लैट, क्योंकि ए का जो पिछले वाला जो की है वो ए का जो आगे वाला जो की है वो है बी, इसलिए ए शार्प मेजर के मतलब है बी फ्लैट मेजर, ठीक है, क्लियर है ना। और बी फ्लैट मेजर हम कैसे लिखते हैं, बी का पास बी बड़ा कैपिटल में लिखेंगे बी, उसके बाद स्मॉल बी, स्मॉल बी का मतलब है फ्लैट, हम फ्लैट को स्मॉल बी से पहचानते हैं, ठीक है। वैसे ही आपको अगर दिखने को मिले कि ये हैज स्मॉल एम, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही है कि ये शार्प माइनर, ए शार्प माइनर के मतलब सिंपल है, उसका जो आगे वाला की है जैसे कि बी फ्लैट, माइनर मतलब छोटा अक्षर से एम, ठीक है। वैसे ही आपको अगर ऐसे दिखे कि सी कैपिटल में सी डी वी स्मॉल वी जी स्मॉल वी एम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है, सी का मतलब है सी मेजर, डी का मतलब है डी मेजर, बी उस कैपिटल में बी उसके बाद स्मॉल बी मतलब बी फ्लैट, वी फ्लैट का मतलब
एफ शार्प मेजर, सॉरी ए मेजर होगा। उसके बाद जी बी एम, इसका मतलब क्या है? जी का मतलब है जी, जी के पास स्मॉल बी मतलब जी फ्लैट माइनर, एम का मतलब है माइनर, तो जी फ्लैट माइनर। थोड़ी प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन आप ये वीडियो दोबारा से आप देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। तो आपको एक ट्रिक आपको बताती हूँ, ऐसे करके अच्छे सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये इसको प्ले करती हूँ, आप क्या कर सकते हैं, ये इसका जो बीच वाला जो नोट्स है इसको आप मूव करके इधर ले सकते हैं, ठीक है? सुन के देखती हूँ। तो ऐसे करके हम म्यूजिक बनाता है, कॉर्ड्स क्या है आपका तो समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्केल क्या है। तो अगर ये आप सीख जाए तो आपके लिए कोई भी गानों को मिक्स करना या कोई भी मेलोडी बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसी से आप कोई भी म्यूजिक को आपके मन के अनुसार बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियोस। Yeah.